सरकारी धान खरीद में बड़ा घोटाला। बड़े पैमाने पर भूमिहीन लोगों को किसान बनाकर खरीदा गया धान। साधन सहकारी समिति के सचिव एवं स्वयं सेवक पर बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप। मुख्यमंत्री एवं जिला अधिकारी से मामले की गई शिकायत। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, वही किसानों के नाम पर धान खरीद कर सचिव एवं समिति के कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं। वही मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में साधन सहकारी समिति बरान में सरकारी केंद्र पर बड़े पैमाने पर भूमिहीन लोगों को किसान बनाकर उनसे धान खरीदा गया। पूरे मामले की मुख्यमंत्री समेत जिला अधिकारी से शिकायत की गई है। वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से धान का सरकारी मूल्य 2183 रुपये घोषित किया गया था। नियमों के मुताबिक प्रति बीघा 3 क्विंटल धान की खरीद की जा सकती है, जबकि साधन सहकारी समिति बरान में धान खरीद केंद्र पर सूत्रों के मुताबिक कुल 61 किसानों से करीब 5800 क्विंटल धान खरीदा गया, जिसमें करीब 1/4 भूमिहीन लोगों को किसान बनाकर उनको सैकड़ों क्विंटल धान खरीदा गया है। इसके अलावा रकवा के सापेक्ष मानक से काफी अधिक मात्रा में धान खरीद कर भुगतान उनके खाते में भेजा गया। पूरे मामले में खद्दीपुर गांव निवासी सिंटू सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री एवं जिला अधिकारी से शिकायत कर आरोपी साधन सहकारी समिति के सचिव व केंद्र प्रभारी एवं एक स्वयं सेवक की मिली भगत से सरकारी धन में बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। वही अगर देखा जाए तो बरान गांव में बनाए गए धान खरीद केंद्र में प्रभारी एवं उनके सहयोगी स्वयं सेवक ने मिलकर दर्जनों भूमिहीन लोगों को किसानों को बहला फुसला कर अंगूठा लगवा कर उनके नाम पर सैकड़ों कुंटल धान की खरीद कर डाली है और अपनी दबंगई के चलते उनके खाते में जो पैसा आया उनसे ले लिया है। सूत्रों की माने तो भूमिहीन लोगों को किसान बनाकर लाखों रुपए धान खरीद केंद्र के प्रभारी एवं बेड़ी जोर समिति के स्वयं सेवक लाखों रुपए किसानों के नाम पर हड़प लिया है। बताते चलें कि दर्जनों भूमिहीन लोगों को किसान बनाकर खरीदा गया धान। रघुनाथ भूमिहीन हैं, जिनके खाते में 161 क्विंटल। रितेश भूमिहीन है, 169.60 क्विंटल। संकिता भूमिहीन है, जो कि 165.60 क्विंटल। रमाकांत का रकवा 0.0320 हेक्टेयर है, इनके नाम पर 78 कुंटल गल्ला खरीदा गया है। मुकेश राजपूत का रकवा 0.321 हेक्टेयर है, जिन पर धान 75.20 कुंटल खरीदा गया है। सवाईजपुर की एसडीएम अरुणमा श्रीवास्तव ने बताया है कि मामले की जानकारी नहीं है, जानकारी करके जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहते हैं शिकायतकर्ता एवं ग्रामीण, आप भी सुनिए। धान पर लेवी खरीद भाई है, फर्जी सब धान पर। कुछ किसान ऐसे हैं जो फर्जी इनमें धान डलवा उनके खाता पर पैसा अंगूठा लगवाए निकलवाए लो पैसा। और जो कुछ 10-5 किसान ऐसे हैं हमारे गांव के जो उनके पास एक बिसुआ भी जमीन नहीं है, उनके भी पर वही धान। उनके खातों पर कितना कितना धान डलवाया गया? इससे किसान को 100 कुंटल, किसान को 150 कुंटल, 200 किसान पर ऐसे करके काफी ने डालो। लगभग कितने किसानों के खातों पर डाला गया अनाज है? 96 हैं काश्तकार, 96 लोग हैं। किन लोगों ने डलवाया ये सब? सचिव हैं लल्लू, उनने, उनके साहब सोबित, हल्दीपुर के जो रहने वाले हैं, उन लोगों ने। आपने इस मामले की शिकायत की कहीं? हाँ, 3 जगह। कहाँ कहाँ? डीएम के पास गए थे हम, ऑनलाइन करी है, और एक वापस आए हैं खाने के लिए भी एक आई है। कर चुके हैं। क्या नाम है आपका भैया? सीटू सिंह। भैया क्या मामला है आपका, किस मामले को लेकर परेशान है? हमारे एक बिधवा के खेत में आए, हम बिना पढ़े लिखे आदमी, अब हमारे पर हमारे सब कुंटल गल्ला इन्हें डाल दो।
किसने गल्ला डाल दिया? अमलल सिंह ने। अच्छा सचिव हाँ। फिर बेटा पैसा खाता पर हम पैसा निकाल लो, खाता पर निकलवा लो, हम पैसा भरा और। अच्छा तुमने कहा नहीं कुछ? तो कहा जब हम हमारा खाता पैसा उन्होंने कहा हमारा पैसा है, हमें तुम्हारा में निकाल लो पैसा। तुम्हें जानकारी कैसे हुई कि तुम्हारे खाते पर पैसा आया? नहीं बताओ मैं लल्लू। क्या नाम है आपका? जो हमारे यहाँ बेड़ी जोर के एक शोभित नाम के हैं, तो उन्होंने सोसाइटी के नाम पे हम लोगों से आधार कार्ड और बैंक पासबुक वगैरह जमा करवाया कि हम मेंबर बनवाएंगे आपको। तो मेंबर जहाँ पे उन्होंने मतलब सरकारी जाने कुछ लोचा है धान वगैरह का, उसका पैसा फर्जी उन्होंने मेरे खाते में डलवाया, समथिंग वही 3.5 लाख से ऊपर होगा। तो वो पैसा मैंने फ़ोनपे के जरिए हमारे अजय प्रताप सिंह हैं बैंक BC उनके खाते में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। उससे मुझे पता है, बाद में मुझे पता चला कि ये फर्जी पैसा आ रहा है। और सर इसमें जो हो मतलब देख लीजिए मेरे को सिस्टम। लगभग कितनी ज़मीन है आपके पास? ज़मीन वही मेरे पास 1.5 बीघा समथिंग होगी। क्या नाम है भैया? किस नाम? मेरा जहानियापुर का रहने वाला हूँ।